फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मयूरी। आज हम मिलने वाले हैं कश्यप से, जो कि तेज वीजा कंसल्टेंसी के ऑनर हैं। कश्यप, आप जब यूके में पढ़ रहे थे तो स्टूडेंट को अगर जॉब करनी होती है तो जॉब के अंदर यहाँ से इंडिया से वहाँ जाए तो उनको कोई स्किल होनी चाहिए, या फिर ऐसे उनको जॉब मिलती है तो किस तरह से वो अप्लाई कर सकते हैं, और जॉब का वो थोड़ा सिनेरियो बताओ। हाँ, तो उसमें कैसा रहता है मयूरी जी, कि यूके की गवर्नमेंट दे अलाउ 20 आवर्स पर वीक टू वर्क फॉर द स्टूडेंट्स बाय लॉ। सो स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द जॉब अगर चांस मिले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द यूनिवर्सिटी, बिकॉज उधर सपोज कोई बार है या लाइब्रेरी है और दे कैन वॉलंटियर इन दैट एक्टिविटीज़, तो वो अच्छा रहता है काफ़ी, कि भाई यूनी के यूनी में ही आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है। यू कैन मीट योर कलीग्स एज वेल, और पे भी काफ़ी बढ़िया रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क एट माई यूनिवर्सिटी बार, सो उसमें मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। आई मेट अ लॉट ऑफ वंडरफुल पीपल और फ्रेंड्स भी काफ़ी बढ़िया बनाए। अदरवाइज और जॉब तो उधर रिटेल स्टोर्स में कर सकते हैं, जिसमें यू नीड बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, कि भाई आप कैसे बात करनी चाहिए लोगों से, आपको पोलाइट होना पड़ेगा, और सेल्स स्किल्स भी आपकी काफ़ी बढ़िया होनी चाहिए, कि भाई चलो कोई आए तो आप कैसे सेल करोगे उनसे। सो दीज आर द बेसिक नॉर्मल स्किल्स जो हर इंसान में होनी चाहिए, हर स्टूडेंट में होनी चाहिए आई बिलीव। और बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स उधर मैनुअल जॉब भी करते हैं कोई प्रोविजन स्टोर में या लिकर स्टोर में, बट दैट इज़ वेरी डिमांडिंग, जो मैंने भी उधर किया था। सो उसमें यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, कि भाई मुझे काफ़ी बड़े बड़े बॉक्सेस और वो सब उठाना पड़ेगा फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द एंटायर डे। सो दीज आर द बेसिक नॉमिनल जॉब्स दैट एवरी स्टूडेंट डज, नॉट ओनली इन यूके बट कोई भी अब्रॉड कंट्री में जाते पढ़ाई करने के लिए, सो दे डू दैट। उसके बाद वहाँ पे आपको कितनी टाइप की आपने जॉब की, और स्टूडेंट को भी कितनी टाइप की जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसके अंदर से सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होता है, बिकॉज ऑफ इंडिया से तो जाते तो पेरेंट्स तो होते नहीं है, सो यू हैव टू फॉलो योर एंटायर रूटीन विदाउट योर पेरेंट्स, सो हाउ यू मैनेज ओवरऑल योर वर्क एंड हाउस होल्ड एक्टिविटी इंक्लूडिंग स्टडी। हाँ, सो क्या रहता है कि एवरीबॉडी, दैट इज द अपॉर्चुनिटी, दैट इज द टाइम फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, कि चलो इधर तो पेरेंट्स है ही, कि खाना बनाना है तो मम्मी है, कहीं बाहर घूमने जाना है तो दोस्त है और सब कुछ, बट उधर सब खुद करना है, कि भाई आपकी सपोज अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock जॉब है तो या तो रात को आप खाना बना के फ्रिज में स्टोर कर दीजिए, या तो आपको गर्म खाना है तो अर्ली मॉर्निंग आप बना देते हो। सो इट इज़ ईच टू देयर ओन। सो वो एक बहुत ही डेवलपमेंट चेंज रहता है, वुड रादर स्पीक फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस हैवंट डन दिस इन आवर होम कंट्री। सो वो एक रहता है, और मैनेज की तो क्या बात है मयूरी जी, दैट एवरीबडी हैज टू डू इट, कि भाई चलो आपको खुद को सस्टेन करना है, एंड लंडन इज नॉट एन इनएक्सपेंसिव कंट्री, बहुत ही एक्सपेंसिज है उधर, राइट फ्रॉम योर डे टू डे एक्सपेंसिस, फ्रॉम ईटिंग, बाहर जाने का, एंड कोई भी आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करनी है, सो जॉब करनी पड़ेगी उसके लिए। तो सो जॉब्स अलग अलग तरह की मैंने बताया जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में, कि मैनुअल जॉब्स होती है, रिटेल स्टोर्स में होता है, या तो यूनिवर्सिटी में आपने कहीं पे बार में जॉब कर लिया। सो दीज आर द मेजर पार्ट टाइम जॉब्स दैट अ स्टूडेंट कैन डू। मैकडॉनल्ड्स हो गया, उधर आप कर सकते हो व्हाइल यू स्टडी। अब नेक्स्ट मैं यही आपसे पूछूंगी कि काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स हैं और ऑडियंस भी है, उन लोगों का, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा मानना है कि अगर हम अब्रॉड पढ़ने जाते हैं उसके बाद वापस आते हैं तो यहाँ पे इनको सर्वाइव करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, तो आप वहाँ गए यूके उसके बाद पढ़ने के बाद यहाँ आके आपने जो आपका बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या लाइक हमारी ऑडियंस को बताना चाहोगे कि वहाँ से यहाँ आने में, आने के बाद भी आप यहाँ इंडिया में सर्वाइव कर सकते, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, सर्वाइव तो कर ही सकते हैं, आई मीन जिंदगी के 25 साल इधर निकाले, सो ऑब्वियसली देयर इज नो पॉइंट, और जो लोग ऐसा सोचता है कि इट्स रॉन्ग, सर्वाइव आप कर ही सकते हो। हाँ, बाहर आई वुड से आई एम प्रिविलेज्ड, कि भाई मैं बाहर जाके आई वॉज एबल टू कम बैक, नॉट मेनी पीपल कैन डू दैट बिकॉज ऑफ पर्सनल रीजंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी रहती है। आई वॉज रियली फॉर्चुनेट इनफ कि भाई मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतनी फ्रीडम दी है कि भाई आप उधर पढ़ के भी वापस आ सकते हो। सो और इधर भी आई हैव सीन, आई हैव फ्रेंड्स जो उधर पढ़ के इधर आने के बाद जिन्होंने खुद का बिजनेस शुरुआत किया या एंड दे हैव आल्सो फाउंड जॉब्स एज वेल। इधर देयर इज अ डिमांड ऑफ पीपल हु हैव
कम बैक और जिनको हाई पेइंग जॉब्स मिलती है. सो दैट इज देयर. सो ये मैं सब हर स्टूडेंट जो ये देखेगा आई विल टेल देम कि भाई इट्स ओके इफ यू कम बैक, देयर इज डेफिनेटली स्कोप. हाँ थोड़ा इनिशियली स्ट्रगल रहता है जो हर किसी को रहता है, बट देयर इज डिमांड इन द मार्केट 100%. वो तो है. सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी स्टार्टअप का तेज कंसल्टेंसी. तो तेज कंसल्टेंसी एग्जैक्टली कौन कौन सी कंट्री के लिए करती है और मेन तेज का क्या मिशन और रीजन है? हाँ सो मैं जब दिसंबर 2019 में गया लंदन, उसके पहले सेम एज एवरी स्टूडेंट आई कंसल्टेड अ लॉट ऑफ कंसल्टेंसीज, बट मेन मुझे कहाँ वो एक दिक्कत दिखी, द प्रॉब्लम वाज दैट देयर वाज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन दिस फील्ड एंड देयर वाज लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म. Like the agents that I consulted, they were not being very honest with me. So मेरा इधर आने के बाद वही main purpose था कि भाई एक ये field में I want to give the best customer services possible to the students. So वो एक मकसद रहा है to start this. And other reason कि when I met people over there, there were students from all over the country, from India. So everybody sort of faced the same issues जो लोग वहाँ थे. सो मेरा वो कन्विक्शन बढ़ गया कि चलो नहीं ये बड़ौदा में ही नहीं है, इंडिया की हर सिटी में ये प्रॉब्लम्स फेस होते हैं. राइट. रहा मेरे फॉर्म का बात, ये वीजा कंसल्टेंसी वी डू स्टूडेंट वीजा फॉर यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप में भी अलग अलग कंट्रीज एंड दुबई एंड सिंगापुर टू सो टू स्पीक. और सबसे पहले अगर स्टूडेंट को जाना है कोई भी कंट्री सिलेक्ट करनी है तो आप थोड़ा वो भी ब्रीफ बता दो कि कंट्री कैसे सिलेक्ट करें, कोर्सेज कैसे सिलेक्ट करें, कॉलेजेस कैसे सिलेक्ट करें और जाने का प्रोसेस कैसा रहता है. हाँ. वो आप थोड़ा गाइड कर दो हमें. राइट. सो कोर्सेज में तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट को अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या पढ़ना चाहते हैं. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेरे फ्रेंड्स में भी कि भाई चलो मेरा दोस्त ये कर रहा है पर चूज द सेम कोर्स, व्हिच इज द रॉन्ग मेंटालिटी. ऐसा मत करो भाई, आपने क्या पढ़ाई की है और आप जो फील्ड में पढ़ना चाहते हैं उसकी आगे क्या वैल्यू है वो दिमाग में सोच के आप आगे बढ़ो हमेशा. दैट फॉर एग्जाम्पल मैंने मैनेजमेंट इसलिए किया कि भाई आई वॉन्टेड टू लर्न अबाउट मार्केटिंग, फाइनेंस एज वेल. मेरा जनरल मैनेजमेंट कोर्स था व्हिच कवर्ड ऑल द डिफरेंट टॉपिक्स एज वेल. कई लोगों को स्पेशलाइजेशन करना होता है. So they do marketing in a specific subject. Yeah, they do MBA in finance itself. So clarity होनी चाहिए course choose करने से पहले. या तो the go to a consultancy with something decided beforehand. Right. कि भाई चलो मुझे इतना है, but आप इसमें मुझे आगे और guide कीजिए. Okay. So but थोड़ा बहुत तो self awareness है कि students को होना ही चाहिए. रही colleges की बात, try to find out कि आप जो कोर्स करना चाहते हो उसमें बेस्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी कौन सी है फॉर योर पर्टिकुलर कोर्स, बिकॉज इट विल मैटर गोइंग फॉरवर्ड. आप जहाँ रियल वर्ल्ड में जॉब ढूंढने जाओगे फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट हु इज गोना वॉच दिस, सो प्लीज लुक इनटू दैट गोइंग फॉरवर्ड. एंड प्रोसेस की बात तो आई वुड आइडियली से दोज हु वांट टू स्टडी अब्रॉड शुड स्टार्ट देयर प्रोसेस एटलीस्ट वन ईयर बिफोर, 10 to 12 मंथ्स बिफोर, बिकॉज काफी लंबा प्रोसेस है. Right from choosing the universities, आपको offer letter लाने में कई सब में time जाता है और because of the ongoing COVID situation और जो भी ये war situation चल रहा है world में अभी unfortunately, so उसकी वजह से the process has been getting delayed a lot. So एक अच्छा रहता है कि हम थोड़ा buffer लेके आगे बढ़े, एक buffer रखे sorry so to speak. So yes एक ये basic timeline है I would say कि भाई 10 to 12 months आपको रख के चलना चाहिए to move forward. और आपकी जो कंसल्टेंसी है वो स्पेशली कौन कौन सी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करती है? हाँ सो वी प्रोवाइड सर्विसेज फॉर IELTS, TOEFL एंड TOEFL सो टू स्पीक, और Duolingo भी हम पढ़ाते इधर. वी हैव आवर क्लासरूम, वी प्रोवाइड द स्टडी मटेरियल एज वेल, और फैकल्टीज भी दे आर एक्सट्रीमली टॉप नॉच व्हिच विल टेक इनटू अकाउंट एवरी स्टूडेंट्स नीड्स और उनको कैसे पढ़ाना है. We can even help you book the IELTS test or dates for you over here as well. So these are the test services which we provide at the age visa consultancy. और जब भी कोई student counselling के लिए आता है तो most probably उनको भी काफी answers नहीं मिलते हैं, तो उस time पे students या उनके parents को कौन से questions लेके genuinely जाना चाहिए ताकि उनके जो answers है वो जाने के लिए relevant हो जाए, क्योंकि कहीं कभी ऐसा हो जाता है कि questions ही उनके ऐसे होते हैं जिनके answer भी नहीं दे पाते. सो पेरेंट्स को सबसे पहले, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों को सबसे पहले ये माइंड में रखना चाहिए उससे कि भाई हमारा फाइनेंशियल बैकिंग कितना है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. उस हिसाब से द काउंसलर्स और द कंसल्टेंट्स कैन शो यू द
ऑप्शंस दैट आर देयर फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट बाद में कि भाई मैंने पहले बताया कि क्लैरिटी होनी चाहिए, सब कुछ आप कंसल्टेंट पे नहीं छोड़ सकते हो. बाद में आई हैव हर्ड पीपल कि भाई मुझे ये कोर्स दे दिया मेरे बच्चे को और मुझे ये कॉलेज दे दिया, पर देयर इज ऑल्सो द रीजन कि आप लोगों को पता नहीं था इसलिए जो कंसल्टेंट आपको बोल रहा था उसके साथ ही चल रहे थे, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग. आपको इट्स अ 50-50 वे कि भाई 50% आप कंट्रीब्यूशन दो, 50% कंसल्टेंट देगा. सो यस, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स बोथ शुड नो कि भाई क्या पढ़ना चाहते हूँ मैं और क्या फाइनेंशियल मेरी कैपेसिटी है कि भाई इतना पैसा मैं निकाल सकता हूँ फॉर माय स्टडीज. और मेजर तीसरा थिंग कि मेरा मेजर पर्पस क्या है उधर जाने का, इफ आई वांट टू सेटल डाउन या जिस सिर्फ स्टडी करना है. सो द कंसल्टेंट कैन गिव ऑप्शंस अकॉर्डिंगली टू द स्टूडेंट्स उस हिसाब से. सो कश्यप, आज आपसे मिलकर काफ़ी डिटेल्स हमें मिली और हमारी ऑडियंस के काफ़ी क्वेश्चंस भी थे जो क्लियर हो गए. तो आपके एंड से कोई एक मैसेज देना चाहोगे हमारी ऑडियंस को कि बाहर जाना और इंडिया में रहना करियर के लिए, बहुत सारे लोगों की ऐसी मेंटालिटी है कि करियर अब्रॉड में ही है, इंडिया में नहीं है, तो आपका क्या करना है? करियर इज डेफिनेटली, करियर बाहर एक अच्छा ऑप्शन है. पेरेंट्स लाइक पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई बिलीव एवरीबॉडी शुड गो अब्रॉड वंस इन देयर लाइफ टू एक्सपीरियंस दैट कि भाई कैसी लाइफ होती है. एक आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हो, खुद सब कुछ काम खुद करना पड़ता है, फाइनेंसिस खुद देखने पड़ते हैं. सो इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस सो टू स्पीक. एंड स्कोप तो है ही, आप बाहर जाओगे तो भी आपकी लाइफ बढ़िया रहेगी और इधर रहोगे तो भी लाइफ आपकी अच्छी रहेगी. आपको कौन सी लाइफ बनानी है वो आपको चूज करना पड़ेगा. सो यस, वही एक मैं कहूँगा जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं. और बाकी कुछ जानना है तो प्लीज फील फ्री टू विजिट मी इन द कंसल्टेंसी. और तो मैं क्या कहूँ, ओके. सो थैंक यू फॉर गुड मीटिंग एंड गिव अस ब्यूटीफुल फीडबैक अबाउट लाइक टू स्टूडेंट क्वेश्चन एंड एवरीथिंग, राइट? ओके, नहीं, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. इट्स बीन अ रियल प्लेजर.